आमतौर पर लोग जन्मदिन और शादी की सालगिरह अपनों के बीच सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर दंपति ने अपनी शादी की सालगिरह कुछ अनोखे अंदाज में मनाई। बैतूल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप साहू और स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति साहू की शनिवार को शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह पर डॉक्टर दंपति ने पार्टी करने की बजाय समाज को कुछ देने का संकल्प लिया और इसकी जानकारी अपने साथी डॉक्टरों को दी। डॉक्टर दंपति के इस निर्णय में उनके साथी डॉक्टर भी शामिल हो गए और फिर अनोखे तरीके से शादी की सालगिरह मनाने का निर्णय लिया और पूरी डॉक्टरों की टीम बाजार में हाथ में मास्क लेकर निकल पड़ी। बैतूल के गंज इलाके में डॉक्टरों की टीम ने उन लोगों को मास्क वितरित किए जो बिना मास्क के घूम रहे थे। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिनने बुजुर्ग और दिव्यांग को अपने हाथों से मास्क पहनाया। मास्क वितरित करने के साथ साथ डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने का तरीका ही बताया। डॉक्टर दीप साहू का कहना है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए आज हमने अपनी शादी की सालगिरह को अनोखे तरीके से मनाने का निर्णय लिया। लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें मास्क वितरित किए और उन्हें सलाह दी कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन करने से ही हम कोरोना से बच पाएंगे। उनके साथ मास्क वितरण कर रहे डॉक्टरों ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की। डॉक्टर विनय चौहान का कहना है कि कोरोना की वापसी और ठंड के सीजन में वायरस बढ़ने का खतरा रहता है, इसको लेकर लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क सिर्फ मुंह पर लगाना नहीं, मास्क को तरीके से पहनना है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। डॉक्टर दंपति के इस कार्य से आम लोगों ने भी उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना की। ये जो मास्क बांटे जा रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में बांटे जा रहे हैं और क्या सोच है इसे? देखिए, बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है कोरोना की गंभीर बीमारी को देखते हुए, तो हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें। और आज चूंकि हमारी शादी की वर्षगांठ थी तो हमने कुछ अनोखा करने का सोचा और उसी उपलक्ष में हम लोगों ने आज गंज परिसर में मास्क बांटने का कोशिश की। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी जागरूक नहीं है और मास्क पहनने से बच रहे हैं। हमारा भी सभी से अनुरोध है कि वो मास्क पहने, लगातार पहने, क्योंकि जैसा कि हमारे PM साहब ने भी कहा ना कि जब तक वैक्सीन नहीं, मास्क बहुत ज़रूरी है और यही हमारा बचाव का सबसे अमूल हथियार है। मेरा सभी से अनुरोध है, बहुत विनम्र अनुरोध है कि मास्क पहने, ज़रूर पहने, अपने घर वालों को और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, ये मास्क बांटे जा रहे हैं और लोगों को क्या समझाई दी जा रही है इसके साथ साथ कि क्या करना सही रहेगा इस टाइम? ये कोरोना का जैसा फिर से वापसी हुई है तो ठंड के सीजन में जैसे वायरस ज़्यादा बढ़ते हैं, कोरोना का खतरा भी इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और जैसा कि डॉक्टर दीप कुमार साहू और डॉक्टर कीर्ति साहू की शादी की सालगिरह है, उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के लिए अच्छा हो और उन्हें जागरूक करने के लिए कोशिश की जाए। तो हम सभी डॉक्टर्स लोग आज निकले हैं। अभी भी मार्केट में जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उन्हें मास्क दे के और कैसा पहनना ये भी समझाइश दी जा रही है। केवल मुँह नहीं, नाक भी ढका होना चाहिए क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और सबको समझाइश दी जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सर, बताइए, जो आज मास्क बांटे जा रहे हैं, आज हमारे एक डॉक्टर दंपति की एनिवर्सरी है, क्योंकि हम कोरोना को बड़े करीब से देख रहे हैं और उससे होने वाली मानव समाज को जो नुकसान है उसको भी करीब से देख रहे हैं, तो हमने समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज ये निर्णय किया कि ये वर्षगांठ मास्क बांट के और लोगों को समझाइश देके मनाई जाए।